हाय, आई एम नक्षत्र। वी आर मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिल रहे हैं। टॉप 10 मिस्टेक्स गे पीपल डू इन रिलेशनशिप। 10 ऐसी गलतियाँ जो गे लोग या बाइसेक्सुअल लोग रिलेशनशिप में करते हैं। डिस्क्लेमर ये है, मैं खुद सिंगल हूँ। और एक बड़ा डिस्क्लेमर ये है कि हमेशा मैं आप पे ब्लेम करता हूँ। आई ऑलवेज ब्लेम इट ऑन यू पीपल, बट दिस टाइम आई टेक द एंटायर ब्लेम। कि ये गलतियाँ मैंने खुद की हैं, इसमें से काफ़ी गलतियाँ मैंने की है और उनमें से सीखा हूँ। लाइफ इज़ ऑल अबाउट लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड गोइंग अहेड, लर्निंग योर लेसन्स एंड कीपिंग इट इन योर हेड सो यू डोंट रिपीट इट। सो क्या गलतियाँ हैं जो हम करते हैं और क्या चीज़ें हैं जो सही होनी चाहिए? अगर ये चीज़ें, ये 10 चीज़ें आपको पता है कि सही आप कर पाओगे, यू आर ऑल सेट फॉर अ रिलेशनशिप। लेट्स बिगिन। सबसे पहली चीज़, नंबर 1, एक्सेप्ट योर सेल्फ एंड लव योर सेल्फ। गलती ये करते हैं लोग कि खुद को प्यार नहीं करते, खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाते एज अ गे मैन और एज अ बाइसेक्सुअल पर्सन और लेस्बियन एज अ ट्रांसजेंडर। अगर आप खुद को प्यार नहीं कर पाते, अगर आप खुद एक गिल्ट में हैं अपनी आइडेंटिटी को लेके, आप दूसरों से क्या प्यार करोगे? किसी और को प्यार करने से पहले ये ज़रूरी है कि आप अपने आप से प्यार करें। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू फॉल इन लव विद योर सेल्फ। एक्सेप्ट योर सेल्फ एंटायरली, देन ओनली यू कैन एक्सेप्ट समबडी एल्स। खुद को अपनाइए, उसके बाद किसी को अपनाने की सोचिए। प्रॉब्लम ये होता है काफ़ी चीज़ों में, लोग डायरेक्टली आगे की स्टेप पे जंप मारना चाहते हैं, खुद को पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाते। इसके बाद फिर रिग्रेट होता है, गिल्ट होता है, घर वालों का डर होता है, समाज का डर होता है, फिर आप चले जाते हो रिलेशनशिप में और ये रिलेशनशिप नहीं चलती। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग करें, जिस बेस के ऊपर आपको रिलेशनशिप की पूरी दीवार खड़ी करनी है। तो बेस ये है, खुद से प्यार कीजिए, खुद को अपनाइए, लव योर सेल्फ एंड एक्सेप्ट योर सेल्फ। मिस्टेक नंबर 2, यू फॉल इन लव बिकॉज योर फ्रेंड्स आर इन रिलेशनशिप और यू वॉच्ड अ रोमांटिक फिल्म। आप रिलेशनशिप में इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि आपके दोस्त रिलेशनशिप में हैं और आपको लगता है कि मुझे भी ये चीज़ चाहिए। आपने एक रोमांटिक म्यूजिक वीडियो देख लिया या फिल्म देख ली, आपको लगता है कि मेरे लाइफ में भी कोई ये चाहिए। कोई और रिलेशनशिप में है इसलिए आप रिलेशनशिप में मत जाइए, वो करते हैं इसलिए आप ये करें, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हर किसी के लाइफ में कुछ स्टेजेस होते हैं, कुछ फेजेस होते हैं। जस्ट बिकॉज वो खुश है रिलेशनशिप में, इसका मतलब ये नहीं कि आप रिलेशनशिप में जाके खुश रहेंगे एट दैट मोमेंट। वो वक्त पे आपको ज़रूरी क्या चीज़ है, करियर, फ्रेंडशिप, कुछ और या फिर रिलेशनशिप, इसका डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। जस्ट बिकॉज आप कुछ रोमांटिक चीज़ देखते हो या किसी और कपल को देखते हो और आपको लगता है कि मैं बहुत अकेला हूँ, नहीं, वो बस उतनी ही फीलिंग है। वो फीलिंग को डाइजेस्ट कीजिए। रिलेशनशिप कोई फैशन या ट्रेंड नहीं है, उसने ऐसे कपड़े खरीदे इसलिए मैं भी वैसे कपड़े खरीदूंगा, उसने वैसी हेयर स्टाइल की इसलिए मैं ऐसे हेयर स्टाइल करूँगा, नो। रिलेशनशिप ज़िंदगी का बहुत बड़ा डिसीजन होता है। वो डिसीजन लेने के लिए क्या आप तैयार हैं, इसके बारे में आपको अपने आप के साथ बैठ के 10 बार सोचना चाहिए। मिस्टेक नंबर 3, पीपल डोंट डिफरेंशिएट बिटवीन क्रश एंड लव। आपका क्रश होना या आपको किसी पे प्यार है या जस्ट आप किसी से आकर्षित हुए हैं, इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। क्रश और प्यार में डिफरेंस ये है कि क्रश बहुत कैजुअल चीज़ है। आपको कोई बंदा पसंद आता है, आप चाहते हो वाह मैं इसको और जानना चाहता हूँ या मैं इसके साथ सेक्स करना चाहता हूँ सिंपली। दूसरी बात, रिलेशनशिप मतलब आप उससे प्यार करते हो, आप उसके साथ पूरी ज़िंदगी बिताने की कोशिश करते हो या ज़िंदगी बिताना चाहते हो, ये दोनों में डिफरेंस है। तो क्रश होना ठीक है, बट रिलेशनशिप और क्रश को मिक्स नहीं करना चाहिए क्योंकि रिलेशनशिप की जो पूरी कंसेप्ट है वो बहुत बड़ी है। तो डिफरेंस जानिए, जिस बंदे को आप मिलते हो आप अपने आप से पूछिए ये मेरा क्रश है या इसके साथ में ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ या बस एक रात बिताना चाहता हूँ, ये डिसीजन, ये आंसर्स आपको खुद को देने पड़ेंगे, अपने आप को। मिस्टेक नंबर 4, इस पर कितने भी एपिसोड्स हम बनाए फिर भी कम पड़ेंगे, वो है वन साइडेड लव, एक तरफा प्यार। ये गलती मैंने पहले भी की, रिसेंटली भी की है और मुझे ये एक्सेप्ट करने में कोई शर्म नहीं आती बिकॉज हम सब ने ये गलतियाँ की हैं। कमिंग टू द पॉइंट, हम किसी से प्यार करते हैं, हम ये उम्मीद रखते हैं कि वो भी मुझसे प्यार करे या वो करता होगा। कभी कभी तो उन्हें पता भी नहीं होता कि हम उनसे प्यार करते हैं, और उससे भी बड़ी बात, उन्हें यही नहीं पता होता कि हम गे हैं। काफ़ी बंदे मैंने देखे जो स्ट्रेट लोगों के प्यार में थे और अभी भी है और शायद आगे भी रहेंगे। वन साइडेड लव से ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव चीज़ मैंने नहीं देखी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स में। एट द एंड माई सजेशन इज़,
गेट आउट ऑफ वन साइडेड रिलेशनशिप एज सून एज पॉसिबल. जल्द से जल्द इसमें से निकलिए. डिफिकल्ट होगा, बिल्कुल डिफिकल्ट होगा, तकलीफ होगी, आप रोओगे, बहुत कुछ होगा, बट आगे जाके जिंदगी बेहतर होगी. किसी के लिए रोना धोना या किसी के लिए प्यार में इतना मरना जिसको पता भी नहीं तुम इतना उसके लिए कर रहे हो, या उसको पता है फिर भी वो इग्नोर कर रहा है, क्या क्या फ़ायदा? तुम्हें इस दुनिया में इसलिए नहीं लाया गया कि आप ये सब चीज़ें करते रहो. आप बेहतर डिजर्व करते हो. प्यार इज टू वे ट्रैफिक, नॉट वन साइड. वो भी आपको उतना ही प्यार करना चाहिए जितना आप उससे प्यार करते, तो ही वो प्यार है. प्यार एक तरफा नहीं है, वो ऑब्सेशन हो गया, आप एडिक्ट हो गए उसके, और आप पागलों की तरह उसके पीछे पड़ जाते हो, ये चीज़ गलत है. प्लीज़ अपने आप को इसमें से बाहर निकाल लीजिए, बिकॉज वन साइडेड रिलेशनशिप, वन साइडेड प्यार का कोई भी फ्यूचर नहीं है, ये बात लिख लेना. मिस्टेक नंबर 5, ये भी मैंने अपने रिसेंट रिलेशनशिप में की थी जो 3 साल पहले हुई थी, दैट वी डोंट टेक इनफ टाइम टू नो ईच अदर. हम एक दूसरे को जानने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लेते, जल्दबाजी कर देते हैं रिलेशनशिप में जाने की, और फिर चीज़ें रियलाइज़ होती है कि नहीं, आप एग्जैक्टली वैसे नहीं हो जैसे आप चाहते थे कि अपना लाइफ पार्टनर हो. ऐसे नहीं कि आप बुरे इंसान हो या वो बुरे इंसान है, चीज़ें चीज़ें मैच नहीं होती है, लगता है कि बहुत एडजस्ट कर लिया, अब नहीं हो रहा है, ये चीज़ें हो जाती हैं. रिलेशनशिप में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. मेरी मानो तो मैंने अपने आप को ये रूल दिया है, अगर इफ़ आई स्टार्ट डेटिंग समबडी, मुझे उसको ऑफिशियल रिलेशनशिप का नाम या टैग देना है, तो मैं एटलीस्ट उसके साथ 1 साल का टाइम स्पेंड करूँगा. अगर चीज़ें तब अच्छी बनती है तो आई गो इन रिलेशनशिप विद दैट गाय ऑफिशियली, आई कॉल इट अ रिलेशनशिप. तब तक वी आर जस्ट सीइंग ईच अदर और वी आर डेटिंग ईच अदर, ठीक है, ये बातें फाइन. डोंट रश. जल्दबाजी करने से कितने रिलेशनशिप टूटे हैं मैंने देखे, खुद का देखा है और बहुत लोगों के देखे इस कम्युनिटी में. तो बहुत जानिए एक दूसरे को और डिफरेंट सिचुएशंस में जानिए. सिर्फ ऐसे नहीं कि कॉल्स पे बात करते हो, मिल रहे हो, डिफरेंट लोकेशंस पे साथ में ट्रैवल कीजिए, साथ में खाना बनाइए, साथ में शॉपिंग जाइए, घूमने जाइए, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस लीजिए, क्योंकि हर एक एक्सपीरियंस में वो बंदा आपके साथ कैसा है और आप उसके साथ कितना कंफर्टेबल हो, ये चीज़ों के जवाब आपको मिलने लगते हैं और फिर आपको रियलाइज़ होता है कि हाँ, क्या यही वो बंदा है जिसके साथ मुझे ये सारी चीज़ें करने में मज़ा आ रहा है, क्या मेरी ज़िंदगी इसके साथ में पूरी स्पेंड करना चाहता हूँ, जवाब आपको अपने आप मिल जाएगा. मिस्टेक नंबर 6, पीपल इग्नोर द चैलेंजेस. जो डिफ़िकल्टीज है, जो कठिनाइयाँ आने वाली है रिलेशनशिप में, लोग उसको नज़रअंदाज करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, आप किसी को प्यार करते हो जो कहीं दूसरे शहर में, आप में डिस्टेंस है, वो रिलेशनशिप कितना देर चला पाओगे? क्या आप में उतने पेशेंस है, क्या आप में उतनी लॉयल्टी है कि आप दूर रह के भी उसके साथ लॉयल रह सकते हैं? कि आप इतना सहन कर सकते हैं कि आपका बंदा कहीं और है और आपके दोस्त अपने बॉयफ्रेंड्स को मिल रहे हैं वीकेंड्स को या एवरीडे, और आप नहीं मिल पा रहे हो दो दो तीन तीन महीना, कभी कभी लाइक सिर्फ 2-3 बार 1 साल में? क्या आप ये कर सकते हो? इसका जवाब आपको अपने आपको देना पड़ेगा रिलेशनशिप में जाने से पहले. क्योंकि क्या होता है, रिलेशनशिप में सब कुछ क्यूट क्यूट लगना लगता है, रेनबोज, यूनिकॉर्न्स, खुशियाँ, बलून्स, गुब्बारे, सेलिब्रेशन, बट जब जैसे जैसे वक्त आगे जाता है ना, सच्चाई सामने आने लगती है और दर्द होने लगता है अगर आप चैलेंजेस को पहले ना पहचानो तो. सो रीड द चैलेंजेस. फॉर एग्जांपल, अगर आप मुंबई की बात कर लो, लाइक आई स्टे इन विरार विच इज़ फार अवे फ्रॉम द मुंबई सबर्ब, एंड इफ़ माई बॉयफ्रेंड स्टेज इन साउथ बॉम्बे, ट्रैवलिंग कैसे कर पाएंगे, इतना कितना मिल कैसे मिल पाएंगे? आई एम ओपनली गे, मेरे घर पे पता है कि मैं गे हूँ. इफ़ आई फाइंड समबडी जिसके घर पे नहीं पता, वो डिस्क्रीट है, व्हाट विल हैपन? सोशल मीडिया पे पोस्ट करना है, किसी को रिलेशनशिप के बारे में बताना है, नहीं बताना है, ये सारी चीज़ हमें पहले डिस्कस करनी होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, घर पे बताने वाले हो फ्यूचर में या नहीं, ये चीज़ें भी पहले डिस्कस करनी चाहिए. क्योंकि लोग रिलेशनशिप में चले जाते हैं, बाद में वो बोलता है कि मैं तो रिलेशनशिप में हूँ बट आगे जाके मैं लड़की से शादी करूँगा, देन तुम्हारी पूरी एक्सपेक्टेशन, ड्रीम्स ऐसे पत्तों की बंगलों की तरह टूट जाती है. एंड किसको ब्लेम करोगे? उसको तो करोगे बट खुद को भी करना, क्योंकि तुम में उतना पेशेंस नहीं था कि तुमने उसके साथ बैठ के ये डिसीजंस लिए, ये बातें की. नोबडी वांटेड टू डू दैट. सो मेक श्योर यू टॉक अबाउट दिस थिंग्स वे बिफोर. मिस्टेक नंबर 7, ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है बट मुझे जजमेंट पास करने में कोई डर नहीं लगता, वो है ओपन रिलेशनशिप. कुछ लोग
कुछ लोग नहीं, अनफॉर्चुनेटली आई वुड से मैक्सिमम गे कपल्स आर टुडे इन ओपन रिलेशनशिप. वो उनकी लाइफ है, उनके चॉइस है, वी हैव द लिबर्टी टू डू दैट. बट इफ आई हैव टू टॉक अबाउट माई सेल्फ, अगर मुझे खुद की बात करनी है, आई डू नॉट इनकरेज ओपन रिलेशनशिप. मुझे ये कंसेप्ट नहीं समझ में आती कि अगर आप किसी से प्यार करते हो तो आप उसको अपना 100% दे रहे हो. यू गिव योर माइंड, सोल एंड बॉडी टू दैट पर्सन एंड देन यू से कि नो, आई लव यू बट आई कैन स्लीप विद अदर पीपल. व्हाट इज इट? आई डोंट कॉल इट अ रिलेशनशिप. आई डोंट. आई वुड से कि यू आर स्टिल एक्सपेरिमेंटिंग विद योर सेक्सुअलिटी, दैट्स इट. बट डू नॉट गिव अ टैग ऑफ रिलेशनशिप. आई थिंक ये ओपन रिलेशनशिप का एक फैशन और ट्रेंड आ गया गे कम्युनिटी में कि हर कोई ओपन रिलेशनशिप में रहना चाहता है. इसके साथ भी सोना है, उसके साथ भी सोना है. आप क्या हो? तितली हो, एक बटरफ्लाई हो कि आपको ये फ्लावर पे बैठना है, वो फ्लावर का भी आप, नहीं मैं वो बोलूँगा तो गलत लगेगा, बट वो फ्लावर का भी नेक्टर खाना है. एंड दिस इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क. सो मेरे लिए ये चीज़ नहीं होती. तो क्या मैंने ऐसे कपल्स देखे हैं जो कमिटेड रिलेशनशिप में थे, देन टू स्पाइस अप देयर सेक्स लाइफ दे वेंट इन ओपन रिलेशनशिप. एक को वो चीज़ बिल्कुल एग्री नहीं करते थे तो बहुत डिफिकल्टीज हुई. फिर स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है, प्रॉब्लम्स होते हैं, वायलेंस होता है. अवॉइड इट. तो ओपन रिलेशनशिप करना है नहीं करना है पहले सोचिए. बट काफ़ी रिलेशनशिप एट दी एंड ओपन रिलेशनशिप के पास जाता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है. So, इस चीजों तक ना पहुंचे ये जिम्मेदारी दोनों की है. नंबर 8, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई हैव अप्लाइड टू माई सेल्फ एज वेल, मेक पीस विद योर पास्ट. अपने भूतकाल को भूतकाल में ही छोड़ दीजिए, गड़े मुर्दे ना उखाड़े. मेरा पहला रिलेशनशिप खत्म हुआ जब मेरी बॉयफ्रेंड की डेथ हुई रोड एक्सीडेंट में. उसके बाद मुझे किसी से प्यार करने में डिफिकल्ट टाइम गया, बट अभी मैं पूरा उसके साथ आई मेड पीस विद दैट फैक्ट. कुछ लोग रिलेशनशिप में ये करते हैं कि मेरा पिछला वाला बॉयफ्रेंड ने तो मेरे लिए ये किया था, तुम तो ये नहीं कर सकते. ही डिड दैट फॉर मी, यू डोंट डू दैट फॉर मी. डोंट ब्रिंग योर पास्ट. आपका एक्स अच्छा होगा, बुरा होगा, बट वो एक्स एक्स है. अपने एक्स को अपने करंट बॉयफ्रेंड से कंपेयर मत कीजिए, कंपैरिजन मत कीजिए, फिर प्रॉब्लम आता है. व्हेन यू ब्रिंग योर पास्ट इन योर करंट रिलेशनशिप, योर करंट बॉयफ्रेंड विल फील बैड अबाउट इट. ही विल नॉट लाइक दैट. अगर वो बताएगा भी नहीं, फिर भी किसी को भी नॉर्मल इंसान को वो चीज़ थोड़ी अजीब लगेगी, थोड़ी जलसी भी होगी और थोड़ा कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट करोगे. ये रिलेशनशिप है, ये स्कूल का कोई कंपटीशन नहीं है कि तुम्हें ज़्यादा मार्क्स मिल रहे हैं या मेरे एक्स को ज़्यादा मार्क्स मिल रहे हैं. नहीं. सो अपने पास्ट को पास्ट में छोड़ो. अभी इस रिलेशनशिप पे 100% फोकस करो एंड मेक श्योर कि आपकी प्रेजेंट रिलेशनशिप आपकी फ्यूचर बन जाएगी. नंबर 9, ये मेरी बहुत बड़ी कंप्लेन है काफ़ी लोगों को लेके रिलेशनशिप में जो जाते हैं. जो लोग रिलेशनशिप में जाते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो कपल बाकी कम्युनिटी से अपने पूरे कॉन्टैक्ट्स तोड़ देते. जस्ट फिनिश ऑल द कॉन्टैक्ट्स विद एंटायर LGBT कम्युनिटी. उनको लगता है कि चलो मुझे मेरा बंदा मिल गया, बाकी लोगों से क्या, मैं तो हम अपनी ज़िंदगी जियेंगे. नो, यू नीड टू हैव अ सोशल सपोर्ट. फॉर एग्जाम्पल, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके बॉयफ्रेंड है, उनके बॉयफ्रेंड को मैं जीजू बोलता हूँ. और ये काफ़ी फैमिली वाली फीलिंग आती है, विच इज़ वेरी वेरी क्यूट एंड इम्पॉर्टेंट कि हाँ चलो हमारे भी फ्रेंड्स है, हमें सपोर्ट करने वाला एक सिस्टम है. भले वो हमारे जैसे लोगों का हो, बट हमें सपोर्ट करने वाला एक सिस्टम है, ये जानना इम्पॉर्टेंट है. और एक चीज़, अनफॉर्चुनेटली अगर आपका ब्रेकअप हो जाता है आगे जाके या झगड़ा हो जाता है, तो यही लोग आपको सपोर्ट करेंगे या मीडिएटर का काम करेंगे, आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए कोशिश करेंगे. सो प्लीज़, आप रिलेशनशिप में अगर जाते हो, कम्युनिटी से कॉन्टैक्ट बनाए रखें, कॉन्टैक्ट ख़त्म मत कीजिए. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिलेशनशिप में आ गए, व्हाट्स नेक्स्ट? प्लान द फ्यूचर ऑफ रिलेशनशिप. रिलेशनशिप में हो ठीक है, बहुत अच्छा है, चलो हम बॉयफ्रेंड है, वी आर कमिटेड, वी आर लॉयल, कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट. बट फ्यूचर क्या है? ठीक है, आप 23, 24 के हो, 25 तक, उसके बाद घर वाले शायद शादी के लिए फोर्स करना शुरू करेंगे. अगर आपके घर पे पता है, वेल एंड गुड. काफ़ी लोग कमिंग आउट नहीं कर पाते. अगर आपके घर वाले पूछना शुरू करेंगे शादी के लिए, आप क्या करोगे? मैक्सिमम ब्रेकअप ये कम्युनिटी में इसलिए होते हैं क्योंकि लोगों में इतना हिम्मत नहीं होता कि घर पर जाके बात करें. एंड वन लड़की से शादी कर लेता है एंड यहाँ पे दूसरा वाला ब्रोकन हार्टेड, प्यार पे विश्वास नहीं करवाता वापस, और उसको धोखा मिल जाता है. और यही सैड सिचुएशन पे आज हम लोग हैं. जब रिलेशनशिप में जाते हो, रिलेशनशिप का एम क्या है, गोल क्या है, ये पहले जानना ज़रूरी है. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टॉक टू ईच अदर एंड प्लान योर फ्यूचर. हम घर लेंगे, बच्चे अडॉप्ट करेंगे, नो, दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकल थिंग.
अभी की सिचुएशन में प्रैक्टिकल क्या है, अभी एडॉप्शन के राइट्स नहीं है, मैरिज राइट्स भी नहीं, शायद वो जल्दी मिले, एडॉप्शन के शायद मिलने में टाइम लगे, कुछ भी हो सकता है। बट अभी के सिनारियो में प्रैक्टिकल क्या कर सकते हो फ्यूचर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लान योर फ्यूचर, घर पे बताना है नहीं बताना है, अगर घर वाले इशू करेंगे तो कहाँ रहेंगे, कौन से सिटी में शिफ्ट होना है, साथ में रहना है या अपने अपने घर पे ही रहना है, ये सब चीज़ों के जवाब आपको बैठ के दूसरे से डिस्कस करने पड़ेंगे। ये कॉल पे या व्हाट्सएप पे नहीं डिस्कशन चलेगा, ये फेस टू फेस होना चाहिए। सो ये था आज का वीडियो, आई होप यू गाइस लाइक्ड व्हाट आई टॉक्ड अबाउट। और भी टॉपिक के साथ वापस शुरू करेंगे जो जर्नी हमने की थी पहले और सेकेंड लॉकडाउन में। लेट मी नो वॉट टॉपिक यू वॉन्ट मी टू टॉक अबाउट इन द कमेंट सेक्शन। एंड जो जो रिलेशनशिप में है आपको ढेर सारी बधाइयाँ, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट दैट यू बी इन द रिलेशनशिप और आपकी रिलेशनशिप अच्छी चले। और जो रिलेशनशिप में नहीं है उनको मुझे एक चीज़ बतानी है, रिलेशनशिप इज़ नॉट द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। जिंदगी में रिलेशनशिप ये सब कुछ नहीं है, काफ़ी कुछ कर सकते हैं अपने लाइफ में। आज मैं सिंगल हूँ, खुश हूँ, अपने टर्म्स पर सिंगल हूँ, कोई मिला नहीं इसलिए सिंगल नहीं हूँ। सो काफ़ी कुछ चीज़ें मैं करता हूँ, मैं घूमता हूँ, मैं क्रिएट करता हूँ चीज़ें, एंड आई एम हैप्पी डूइंग दोज थिंग्स। कोई आगे मिलेगा आई होल्ड द हैंड, आई स्टिल डू द थिंग्स विच आई डू। सो जो रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं डेस्परेटली, थोड़ा काम डाउन कीजिए, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट रखिए, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप जो आप ढूंढ रहे हैं आपको मिल जाए। टेक केयर, स्टे सेफ, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाय।